नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी की जो जुड़ी है पॉलीज आइलैंड से। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि एक परछाई या कभी एक आदमी जिसे पॉलीज आइलैंड पर ग्रे मैन के नाम से जाना जाता है हमेशा घातक तूफान से पहले दिखाई देता है। वह इस द्वीप के निवासियों को खतरे की चेतावनी देता है। वह भूरे रंग के कपड़े पहने एक छायादार व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जो समुद्र तट पर या रेत के टीलों के बीच खड़ा दिखाई देता है। ये आदमी लोगों को हाथ हिलाकर सावधान करता है और अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। जो लोग ग्रे मैन को देखते हैं और उसकी चेतावनी पर ध्यान देते हैं वे हमेशा तूफान से बच जाते हैं। लोगों का कहना है कि वह लोगों की जान बचाता है क्योंकि वह अपनी जान बचाने में असमर्थ था। ग्रे मैन की कहानी इस प्रकार है। वह एक बार एक अमीर आदमी का बेटा था जिसके पास पॉलीज द्वीप पर पेलिकन इन था। एक शाम वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था जो द्वीप के दूसरी ओर रहती थी। वह लड़का अभी समुद्र की लंबी यात्रा से लौटा था और उसने उस लड़की से शादी करने की योजना बनाई थी। लड़की उसके आने का इंतजार करती रही लेकिन वह नहीं आया। उसके न आने का कारण ये था कि जब लड़का सड़क पर यात्रा कर रहा था तो वह अपनी प्रेमिका को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने दलदल के पार एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। उसका घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और उसके परिणाम स्वरूप वह भी गिर गया। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह रेत की दलदल में खड़ा है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह खुद को वहां से बाहर नहीं निकाल सका और रेत के नीचे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इस भयानक समाचार को सुन वह लड़की सदमे में चली गई थी। इसने उसे लगभग पागल कर दिया था और उसने अपने खोए हुए प्रेमी के शोक में पॉलीज द्वीप में समुद्र तट के किनारे अनगिनत घंटे बिताए। एक दोपहर को वह बाहर घूम रही थी जब उसने भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी को देखा। वह पानी की तरफ देख रहा था। जैसे ही वह करीब आई उस आदमी ने उसकी ओर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अब उस लड़की को अपने पेट में जकड़न महसूस हुई क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि उसका मृत मंगेतर था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक समुद्र से एक लहर उठी और उसने उस आदमी को घेर लिया। उस लहर के साथ ही वह आदमी भी गायब हो गया। युवती घबरा गई और उसने जो कुछ देखा वह अपने परिवार को बताया। उसके माता पिता को लगा कि वह अपना दिमागी संतुलन खो रही है, इसलिए वे उसे पास के शहर में एक डॉक्टर के पास ले गए। उसी रात तट पर एक तूफान आया और समुद्र लहरों से उछल गया। ये तूफान इतना भयानक था कि इसकी हिंसक हवाओं ने द्वीप के लगभग हर घर को नष्ट कर दिया था। अगले दिन जब लड़की और उसके माता पिता लौटे तो पॉलीज द्वीप खंडहर हो चुका था। 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, उनमें से अधिकांश को लहरों के कारण समुद्र में खींच लिया गया था। चारों ओर मलबा बिखरा हुआ था लेकिन लड़की का घर किसी तरह तूफान से अछूता रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बचाया गया हो। उस लड़की को यकीन था कि उसका मृत प्रेमी उसे भयानक भाग्य से बचाने के लिए वापस आ गया था। तब से ग्रे मैन को हर बड़े तूफान से पहले लोगों को चेतावनी देते हुए देखा गया है। 1893 में एक परिवार ने द ग्रे मैन को चुपचाप उनकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। वे द्वीप से भाग गए और एक तूफान से बच गए जिसमें अनुमानित 1500 लोग मारे गए। 1954 में एक नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए पॉलीज द्वीप गया। एक दिन उन्होंने भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी को देखा। उसने भूरे रंग के कपड़े और एक भूरे रंग की टोपी पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। अचानक वह आदमी गायब हो गया। दंपति ने द्वीप छोड़ दिया और इसके तुरंत बाद एक तूफान आया जिसमें 95 लोग मारे गए और 15,000 घर नष्ट हो गए। 1989 में एक पति और पत्नी पावलिस द्वीप में समुद्र तट पर टहल रहे थे तभी उन्होंने टीलों के बीच से भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी को आते देखा। जैसे ही वे उसके पास आए वह अचानक गायब हो गया। दंपति को किंवदंती के बारे में पता था इसलिए उन्होंने तुरंत अपना बैग पैक किया और उस द्वीप से निकल गए। तट पर एक तूफान आया जिसके रास्ते में 76 लोग मारे गए। इसलिए अगर आप कभी पॉलीज द्वीप पर छुट्टियां बिताने जाएं, तो एक नजर समुद्र तट पर रखें और दूसरी ग्रे मैन पर। यदि आप उसे अपनी ओर अपने हाथ लहराते हुए देखें, तो उसकी चेतावनी पर ध्यान दें। ये चेतावनी शायद आपकी किसी आने वाले तूफान से आपकी जान बचा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियाँ एंजॉय करें। जय श्री राम।